आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट स्पेसिफिक रोटेशन। इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ शुगर वाटर सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ पोलेरीमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा पोलेरीमीटर है। यहाँ पे हम ये हाफ शेड पोलेरीमीटर यूज़ कर रहे हैं। हाफ शेड पोलेरीमीटर में हम सिर्फ सिंगल एक वेवलेंथ यूज़ करते हैं, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो इसके लिए हम सोडियम लैंप यूज़ करेंगे। ये यहाँ से हमारी सोडियम लाइट आ रही है जो इधर से पास होकर आएगी, और यहाँ पे हमारा एक पोलराइजर लगा हुआ है, वो क्या करेगा कि लाइट रेस को पोलराइज कर देगा। और यहाँ से फिर हम, ये हमारा पोलरीमीटर ट्यूब का स्टैंड है, और फिर ये हमारा यहाँ पे एनालाइजर है, और यहीं पे एक स्केल लगा हुआ है। ये स्केल आप देख सकते हैं इस तरह से है। ये मेन स्केल है जो कि डिग्री में है, और टोटल ये 360 तक है, और ये वन ईयर स्केल है जो सिर्फ 10 डिवीजन का है। तो इस स्केल में हम सबसे पहले तो लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन इन वन ईयर स्केल। तो वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल की कितनी है, 1 डिग्री, और टोटल डिवीजन वन ईयर स्केल में है 10। तो इसकी वैल्यू हो गई, लीस्ट काउंट हो गए 1/10, यानी 0.1 डिग्री। और इसको अगर हम मिनट्स में कन्वर्ट करें तो 0.1 डिग्री को 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 6 मिनट्स। इसकी लीस्ट काउंट 6 मिनट्स है। यहाँ पे हमारा ये आईपीएस लगा हुआ है जहाँ से हमें इसकी रीडिंग्स नोट करनी होती है। इसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। ये हमारी पोलेरीमीटर ट्यूब है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। ये स्टीरर है शुगर सॉल्यूशन बनाते वक्त। ये शुगर क्यूब्स हैं दो, 4-4 ग्राम्स के ये दो क्यूब्स हैं, यानी टोटल जब हम दोनों को मिला देंगे तो 8 ग्राम्स हो जाएंगे। ये हमारा बीकर है, इस बीकर में वाटर भरा हुआ है जो 100 ml तक भरा हुआ है जी। और ये हमारा एक मैग्नीफाइंग लेंस है। हमें ये पूरा एक्सपेरिमेंट डार्क रूम में परफॉर्म करना होता है अंधेरे में, तो इसलिए हमें मैग्नीफाइंग लेंस की जरूरत पड़ती है लाइट वाले। इसकी रीडिंग हम इस तरह से नोट करेंगे मैग्नीफाइंग लेंस में। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें वाटर की रीडिंग नोट करनी होती है। हम कैसे वाटर की रीडिंग नोट करेंगे कि ये पोलेरीमीटर ट्यूब है, इसमें तो अभी हवा भरी हुई है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसमें वाटर फिल करेंगे। वाटर हमें इस तरह से फिल करना होता है कि इसमें एयर गैप जो है वो ना के बराबर रहे, अगर रहता भी है तो मिनिमम साइज का रहे। तो हम अभी पहले वाटर की रीडिंग नोट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि हमने इस ट्यूब में वाटर भर दिया है, और यहाँ पे हमें एक हल्का सा एयर बबल भी नज़र आ रहा है। पूरी कोशिश करने के बावजूद ये बबल आ गया थोड़ा सा। तो एयर बबल को हमें बिल्कुल सेंटर पे रखना होता है। सेंटर पे हमारा ये एक बड़ा साइज नज़र आ रहा है आपको। बीच में से जो है ये पोलेरीमीटर ट्यूब फुली हुई है, तो हमें उस एयर बबल को वहीं पे रखना होता है। ऐसा इसलिए करते हैं हम ताकि लाइट रेज जो पास हो वो उनके पाथ के, लाइट रेज के पाथ के बीच में एयर बबल इंटरफेयर ना करे, और हमारी लाइट जो है कंटिन्यूसली वाटर से पास होती हुई दिखाई दे। अब हम इसको यहाँ पे ट्यूब स्टैंड पर रख देते हैं ये, और फिर यहाँ पे हम रीडिंग नोट करेंगे। स्टार्टिंग में हमें दोनों हाफ सर्कल नज़र, एक हाफ सर्कल जो है दोनों में से एक ब्राइट नज़र आता है और एक थोड़ा डार्क नज़र आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे आधा सर्कल ब्राइट है और आधा सर्कल डार्क है। अभी हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट वाला हाफ सर्कल जो है वो ब्राइट है, और राइट वाला जो हाफ सर्कल है वो थोड़ा डार्क है। जब हाफ सर्कल्स आधे आधे ब्राइट और डार्क नज़र आ रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसा स्लाइटली मूव कराएंगे। यहाँ से आईपीएस से हम कंटिन्यूसली देखते भी रहेंगे और यहाँ से स्लाइटली मूव कराते रहेंगे, और उस पोजीशन पर रोक देंगे जहाँ पे हमने दोनों हाफ सर्कल जो हैं वो इक्वली ब्राइट नज़र आने लग जाए। इस वाली पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि दोनों हाफ सर्कल जो हैं इक्वली ब्राइट हैं। हम ये पता ही नहीं कर पा रहे इस टाइम कौन सा हाफ सर्कल ज़्यादा ब्राइट है या कौन सा हाफ सर्कल ज़्यादा डार्क है। दोनों हाफ सर्कल इक्वली ब्राइट लग रहे हैं, तो इसी पोजिशन में जो हमारी रीडिंग होगी वो हमें नोट डाउन करनी है क्लॉकवाइज, और इसी तरह से हमें एंटी क्लॉकवाइज में भी रीडिंग नोट करनी होगी। रीडिंग किस तरह से नोट करेंगे, जैसे कि ये दे रहता है हमारा स्केल, ये आप देख सकते हैं
वन ईयर का जीरो जो है इस टाइम हमारा मैच कर रहा है 305 पर, मेन स्केल लेके 305 पर वन ईयर का जीरो कौन सा ऐड कर रहा है, तो हमारी मेन स्केल रीडिंग हो गई 305। और वन ईयर स्केल की रीडिंग कौन सी होगी, यानी इस जीरो से 10 के बीच में कोई ना कोई एक डिवीजन होगा जो फुली कॉन्साइड कर रहा होगा नीचे वाले डिवीजन के साथ। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली जो फिफ्थ डिवीजन है वो फुली कॉन्साइड कर रही है, मतलब वो 310 की जो डिवीजन है वो फुली फुली कॉन्साइड कर रही है वन ईयर की फिफ्थ डिवीजन पे। तो यहाँ पे वन ईयर स्केल रीडिंग हो जाएगी 5, तो मेन स्केल रीडिंग हो गई 305, वन ईयर स्केल रीडिंग हो गई 5। तो ये रीडिंग हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये तो हमारी एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हुई, इसी तरह से हम एक ये एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जब हम रीडिंग नोट करते हैं, तो जैसे एक रीडिंग हमारी यहाँ पे क्लॉक वाइज डायरेक्शन में इस तरफ आई है 305 पर, इसी तरह से एक सिमिलर रीडिंग जिसमें दोनों हाफ सर्कल जो इक्वली ब्राइट नजर आ रहे होंगे वो हमारे यहाँ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन अगर हम घुमाएंगे तो ऑलमोस्ट 180 के डिफरेंस पे भी, यानी कि इस साइड भी नजर आएंगे। इधर एक रीडिंग अगर हमारी 310 के आसपास आ रही है तो दूसरी रीडिंग हमारी 130 के आसपास आएगी 180 के डिफरेंस पे, वाटर में भी सिमिलरली शुगर सॉल्यूशन में भी। तो हमें ये दोनों रीडिंग्स नोट डाउन करनी होती है 180 के डिफरेंस पे जो आ रही है, उसके बाद ही हम कैलकुलेशन करते हैं। जब हम वाटर की रीडिंग्स नोट कर लेंगे उसके बाद हमें फिर यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन लेना होगा। शुगर सॉल्यूशन हम किस तरह से बनाएंगे, ये दो शुगर क्यूब्स है 4-4 ग्राम्स के हैं, इनको हम बीकर में डालेंगे, इस बीकर में, और बीकर में हमने 100 ml का वाटर ले रखा है। 100 ml के वाटर में हम 8 ग्राम से शुगर को डिजोल्व करेंगे, उसका स्टीरर से वो सॉल्यूशन बना देंगे पूरा, और जब वो सॉल्यूशन बन जाएगा उसके बाद इस पोलेरीमीटर ट्यूब को खाली करके जो जिसमें हमने वाटर की रीडिंग ली है, अभी वाटर भरा हुआ है, इसको हम खाली कर देंगे और उसके बाद इसमें शुगर सॉल्यूशन भरेंगे और उसकी रीडिंग सिमिलरली नोट करेंगे, वही क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब हम शुगर सॉल्यूशन की ट्यूब रखते हैं इस पोलेरीमीटर सेटअप पे, तो होता क्या है कि शुगर सॉल्यूशन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि वो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनको डेस्ट्रो रोटेटरी कहा जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं प्लेनो फ्लोरेस लाइट को वो लेवो रोटेटरी कहलाते हैं। अब हमारे यहाँ से सोडियम लाइट पास हो रही है इधर से, यहाँ से ये पोलराइजर है, इसने लाइट को प्लेन फ्लोरेलाइज कर दिया है। अब प्लेन फ्लोरेलाइज लाइट जो है जब ये ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन से पास होगी तो वो रोटेट हो जाएगी, कितने डिग्री एंगल रोटेट होगी वो हमें यहाँ पे एनालाइजर से पता चलता है। तो इसी की रीडिंग हम यहाँ नोट करके फाइंड आउट कर पाते हैं कि वो जो प्लेन फ्लोरल लाइट है जब वो इस लेंथ से होते हुए गुजरती हुई गई है, प्लेन फ्लोरल लाइट जब इस शुगर सॉल्यूशन की इतनी लेंथ से पास होते हुए गई है तो वो कितने एंगल रोटेट हो गए हैं, वो प्लेन ऑफ फ्लोराइज लाइट कितने एंगल रोटेट हो गया है वो हमें यहाँ पे नोट डाउन करना होता है इस तरह से। अब यहाँ पे हम रीडिंग्स नोट डाउन कर लेते हैं। मास ऑफ शुगर क्यूब हमारा था, हमने दो शुगर क्यूब्स यूज़ करे हैं 4-4 ग्राम्स के, तो टोटल मास हो गया 8 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हमने 100 ml यूज़ किया है, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हो गई 0.08 ग्राम पर cc। लेंथ हमारे जो पोलेरीमीटर ट्यूब की है वो 2 dm है, और रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ देखेंगे कि वैल्यू ऑफ मेन डिवीजन हमने पहले बताया था आपको 1 डिग्री थी, और टोटल डिवीजन जो है 10 थे, तो हमारी लीस्ट काउंट हो गई 0.1 डिग्री और 6 मिनट। विलिस कौन को फॉर्म होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन इन मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन इन वन ईयर स्केल। अब हम यहाँ टेबल पे जो हमने रीडिंग्स नोट करी है वो लिख लेते हैं। हमारी जो वाटर के साथ रीडिंग आई थी, एनालाइज रीडिंग विथ प्योर वाटर, वो मेन स्केल की थी 305 और वन ईयर स्केल की थी 5। तो हमारी टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल जो लिस्ट काउंट 0.1 डिग्री है, तो ये रीडिंग हो जाएगी हमारी 305.5। फिर हमने 180 के डिफरेंस में भी प्योर वाटर की रीडिंग ली थी, वो हमारी आई थी 124 मीन स्केल रीडिंग और वन ईयर स्केल रीडिंग 6। तो हमारी टोटल रीडिंग हो गई 124.6। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वन ईयर स्केल रीडिंग इंटू लिस्ट काउंट, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी ये टोटल रीडिंग ये आएंगी।
305.5 एंड 124.6 और प्योर वाटर। फिर हमने यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन लिया था, शुगर सॉल्यूशन हमने लिया 0.08 ग्राम पर सीसी का हमने शुगर सॉल्यूशन लिया दोनों केसेस में। उसके बाद हमारी एनालाइजिंग विद प्योर सॉल्यूशन क्या आई थी, एनालाइजर रीडिंग विद प्योर सॉल्यूशन आई है हमारी 305, वो तो मेन स्केल रीडिंग थी इस साइड, और वन ईयर स्केल रीडिंग थी 0.4, तो ये टोटल रीडिंग हो गई 315.4। अगेन हमने 180 के डिफरेंस पे भी एक रीडिंग ली थी इनकी, वो आई हमारी 135 मेन स्केल की, वन ईयर स्केल की 7, तो ये टोटल रीडिंग हो गई 135.7। अब हम ये इस टोटल रीडिंग के साथ डिफरेंस देखेंगे, उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, और हम इस टोटल रीडिंग के साथ डिफरेंस देखेंगे। तो हम ये नोट कर लेते हैं, वही हमारा थीटा होगा, और यहाँ पे हम इनका मीन लिख देंगे। तो ये हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, तो ये हमारा थीटा, दो थीटा आ गए, एक क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, और फिर एक बनेटिक डिफरेंस लेके जो दूसरी रीडिंग आई है उनके उनका जो हमने डिफरेंस लिया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ मेन थीटा हम नोट कर लेंगे, मेन थीटा हो जाएगा 11.1 प्लस 9.9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10.5। तो मेन हमारे थीटा की वैल्यू आई है 10.5। स्पेसिफिक रोटेशन निकालने का फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू थीटा इंटू वॉल्यूम ऑन मास एंड लेंथ। ये वॉल्यूम है जो हमने सॉल्यूशन के लिए, ये जो हमने मास शुगर क्यूब का लिया था, ये हमारे प्लायोमीटर के ट्यूब की लेंथ, और ये जो थीटा जो हमारा 10.5 है। तो ये वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारी आती है थीटा यानी 10.5। ये सारी थीटा जो आ रही है डिग्री में, वॉल्यूम हमारी 100 थी, 100 ml, और शुगर क्यूब का मास था 8, और हमारी पोलरीमीटर की लेंथ जो है वो 20 cm यानी 2 dm है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके हमारी आ रही है 10.5 × 100 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल 65.625। जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू होती, ये हमारा रिजल्ट आया है 65.62, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 66 होती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है बहुत हद तक सही आ गया है। अब जिस तरह से मैंने ये रीडिंग 0.08 ग्राम पर सीसी की कॉन्सेंट्रेशन के लिए ली है, इसी तरह से आप किसी और कॉन्सेंट्रेशन के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं और उससे भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के लिए रीडिंग्स ली जाएंगी, उतना ज़्यादा हमारा आंसर जो है और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। अब हम यहाँ पे परसेंटेज एरर काउंट करेंगे। परसेंटेज एरर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू। तो वो हमारा परसेंटेज एरर 0.57% आया, जो कि बहुत कम है। इससे पता चलता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। थैंक यू।